एवरीबॉडी, वेलकम टू द सक्सेसिव फिजिक्स। सक्सेसिव फिजिक्स में आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट होता है और आखिर में उसका जो भी डेरिवेशन आता है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के बारे में। ओके, यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। पर किसका मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फोर्स होगा, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से एक आपको वायर कंसिडर करना है आज। तो इस वायर से सपोज मान लीजिएगा कि करंट फ्लो हो रहा है और इस पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू आपको आज निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। ओके, ध्यान रखिएगा कि आज के इस वीडियो में हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन करते वक्त जो पॉइंट आपको दिया गया है तो उस पॉइंट को पहले ध्यान से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसे ध्यान से पढ़िएगा और सोचिएगा कि उसमें क्या क्या निकालना है और उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते वक्त हमें कौन सी सब्जी बनानी है और उस सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसकी जानकारी हमें पहले से होती है। तो यहाँ पर भी सेम हमें करना है। तो कोई डेरिवेशन करने के लिए, किसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर निकालनी है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। हमारा जो पिछला वीडियो है, इस चैप्टर का आई थिंक सेकंड वीडियो है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसका निकालना है? स्ट्रेट वायर का निकालना है। तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट वायर कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो लाइक दिस। ओके, सपोज मान लीजिएगा कि ये एक स्ट्रेट वायर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना ली है। ओके, तो ये डायग्राम है स्ट्रेट वायर की। इस वायर में से क्या हो रहा है? इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, आप देखिए ये जो डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये डॉट्स क्या दिखाते हैं? ये डॉट्स दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ओके, तो हमने ये जो हमारा जो वायर है हमारा, हमने ये वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा है। ओके, तो ये डॉट्स यही शो करते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस चैप्टर का प्रिंसिपल क्या है। इस प्रिंसिपल के बारे में भी हमने बहुत सारी बार बातें की हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ये जो आपका वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट है। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, तो ये अपोजिट फेनोमेनॉन है। देखिए ट्रांसवर्स फेनोमेनॉन है कि कभी कभी क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तब करंट फ्लो होता है। ओके, तो जब करंट होता है तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इस तरह से ये दोनों भी चीजें पॉसिबल है, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, यहाँ से देखिए ये जो डायरेक्शन है, इस तरह से ये डायरेक्शन क्या दिखाती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, ई नाम का इलेक्ट्रॉन है, ये उस पर कुछ चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ पर इसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये जो दोनों है, मैग्नेटिक फोर्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक और बात जानते हैं, देखिए ए डायरेक्शन है करंट की और ए डायरेक्शन है वेलोसिटी की, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे को कैसी होती है, एक दूसरे को अपोजिट होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू ईच अदर। एक बेसिक पॉइंट है, आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों बातें हो गई।
आप क्या करने लगे, ये जो वायर है इस वायर की कुछ तो लेंथ होगी ओके तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर लेंथ ली है ये लेंथ ओके अब हमें करना है डिवीजन। तो ये सारी बातें हो गई इस स्ट्रेट वायर के बारे में। देखिए आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी यहाँ वहां पर तो ये सारी बातें नहीं पूछेंगे, लेकिन जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की एग्जाम होती है ओके ये जो आपकी स्टेट बोर्ड की एग्जाम होती है वहां पर आपको ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है, तो एग्जाम के लिए ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस तरह से एक वायर कंसिडर करेंगे, वहां पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस पर कुछ तो फोर्स होगा और करंट भी उससे कुछ ना कुछ फ्लो होगा। तो इस तरह से ये बातें आ गई। आप देखिए अब हमें क्या करना है, हमें निकलनी है किसकी वैल्यू, हमें निकलनी है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था वहां पर ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैग्नेटिक फोर्स हमें किस तरह से, हम एफ एम नाम से मैग्नेटिक फोर्स डिनोट करते हैं करेक्ट है, आप जानते होंगे एफ एम से हम मैग्नेटिक फोर्स डिनोट करते हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी ओके। तो वहां पर उस वीडियो में हमने यहाँ पर वी की जगह वीली की जगह सिर्फ वी लिखा था क्योंकि वहां पर सिर्फ वेलोसिटी कंसिडर की थी, यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसिडर करनी है इसलिए यहाँ पर वी डी लिखा है ओके। तो लिखते रहे इसको हम नंबर वन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन ओके। तो ए हो गई किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, देखिए ये फॉर्मूला है, ये आपकी फाइनल वैल्यू नहीं है ओके। तो इस फॉर्मूले के जरिए आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए क्यू है, क्यू यानी कि चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन ओके। तो क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो क्यू इज इक्वल टू किस तरह से आएगा, चलिए क्यू की बात नहीं करते, सबसे पहले करंट की बात करते हैं। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम करेक्ट है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ओके। सो दिस इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, अब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज यानी कि जब लिखती हूँ यहाँ पर क्यू अपॉन टी आएगा ओके। तो यहां से हम क्यू की वैल्यू जब अगर निकाल लेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी आई इंटू टी ओके। तो करंट सॉरी चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी यानी कि करंट इंटू टाइम, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ गई आपकी आपकी ये क्या है आपका चार्ज है, तो ये वैल्यू आ गई आपके चार्ज की। आप देखिए टी है, टी यानी कि टाइम, टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ओके। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये कहां से आ गया, तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूले से, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है करेक्ट है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस, एल लॉन्ग ओके। तो यहां से आई तो एज इट इज रहेगा, ये डिस्टेंस क्या है एल अपॉन वेलोसिटी कितनी है वी ओके, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके। वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, सो आई एल अपॉन वी डी, ये वैल्यू हो गई टी की। अब इस वैल्यू को रखेंगे यहां पर क्यू की वैल्यू में, तो चार्ज कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू ओके, चार्ज कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर आई नहीं आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे एल अपॉन वी डी ओके। तो आई की वैल्यू यहां से आएगी आई एल अपॉन वी डी ओके, तो आई एल अपॉन वी डी ये वैल्यू हो गई आपके चार्ज की ओके। तो अब क्या करना है, अब सिंपल बात ये है कि इस चार्ज की वैल्यू को हम रख देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर ओके, और यहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, आई एल अपॉन वी डी ओके इंटू वी डी क्रॉस बी ओके। तो ये वैल्यू हो गई आपके मैग्नेटिक फोर्स की ओके। वन मिनट, ये वैल्यू हो गई आपके मैग्नेटिक फोर्स के, आप यहां से देख सकते हैं। आप देखिए यहां पर भी आपका इक्वेशन खत्म नहीं होता है, यहां पर देखिए अब आगे क्या करना है, यहां पर वी डी क्रॉस बी है करेक्ट है, ये वी डी क्रॉस बी है, ये यानी कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम निकाल देंगे फिनिश कर देंगे तो वहां पर क्या आता है, साइन थीटा आता है करेक्ट है। तो यहां से देखिए एफ एम इज इक्वल टू, एफ एम इज इक्वल टू आई एल अपॉन वी डी इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा ओके, साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा ओके। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास आता है।
अब साइंस में क्यों आ गया, देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट को निकल लिया तो साइन थीटा आ गया। ओके आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी 90। क्यों क्यों 90 आएगी, क्योंकि देखिए VD इंटू बी, इन दोनों को, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, वेलोसिटी इंटू बी के बीच का एंगल, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन कितना आएगा 90। तो FM इज इक्वल टू आई एल अपॉन वी डी इंटू वी डी, अब ये वी डी यहाँ से कैंसिल होगा देखिए, और बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो इसलिए FM की वैल्यू कितनी आएगी, FM इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 तो 1 हो गया और एल क्या, तो इस तरह से ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है आपके मैग्नेटिक फोर्स का। ओके तो ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई एल बी इंटू एन क्या। ओके तो ये बातें हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में जान दी, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ये वीडियो समझ आ गया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा फिजिक्स को जानने के लिए। ओके तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।